शिवराज सरकार 1 लाख आदिवासी युवाओं को नौकरी देगी, साथ ही मध्य प्रदेश में पायलट बेस पर तेंदुपत्ता बेचने और तोड़ने का अधिकार भी जनजातीय वर्ग को मिलेगा। ये ऐलान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी की ओर से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति प्रत्याशी बनाने पर पीएम मोदी और पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए कर दिया है। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, संपतिया उइके, वन मंत्री विजय शाह, मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते मौजूद रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज खुशियां मनाने का दिन है, मेरा मन कर रहा है कि मैं खूब नाचूं। किसने सोचा था कि आदिवासी बहन भारत के सबसे ऊंचे पद पर बैठेगी। मोदी जी धन्य है, सारी परंपरा बदल दी। राष्ट्रपति सिर्फ पढ़ा लिखा बनेगा ऐसी धारणा थी, लेकिन एक छोटे से गाँव की महिला को इतना बड़ा मौका दिया गया है, ये सिर्फ बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। जब पीएम ने उनको फोन किया तो वो निशब्द हो गए, आज राष्ट्रपति बनने के लिए हैं। इसके बावजूद आज भी मंदिर में झाड़ू लगा रही हैं। द्रौपदी मुर्मू अभी भोपाल आएंगे, उस दिन बड़ा कार्यक्रम करेंगे, खुशियां मनाएंगे। वहीं पूरे प्रदेश में भी उत्सव मनाएंगे। किसी ने नहीं सोचा था वो मोदी जी ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया। जनजाति मतलब आदिवासी समाज की बहन एक दिन भारत के सर्वोच्च पद पर बैठेगी, संवैधानिक प्रमुख होगी, राष्ट्रपति होगी और तीनों सेनाओं की मुखिया होगी। तीनों सेनाओं की मुखिया आदिवासी बहना भाइयों, कांग्रेस ने सिवाय जनजाति के शोषण के कुछ नहीं किया, शोषण किया केवल झोपड़ी में पड़ा रहने दिया। भारतीय जनता पार्टी है जिसने एक ने अनेकों पद पर अपनी अंतुलिया पे दिलवाला के रहने वाले छत्तीसगढ़ की गवर्नर मंगूभाई पटेल, मध्य प्रदेश के गवर्नर, कब कांग्रेस को तुमने बनाया था रे? तुमने तो आदिवासियों को केवल वोट लेने का माध्यम सोचा था, उनको सम्मान और स्थान अगर दिया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है।